हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी रिजल्ट प्रॉब्लम के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्नातक के छात्रों को मिले 35 से 40% अंक। ये देखिए, सभी छात्र छात्राओं को ये लगभग 35 से 40% अंक दिए गए हैं। ये देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय तृतीय वर्ष का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। करीब 70% छात्र छात्राओं का परीक्षा फल इतना खराब है कि वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सकते। उनके अंक इतने कम है कि अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए भी मुश्किल है। स्नातक तृतीय वर्ष में ज़्यादातर छात्र छात्राओं के 35 से 40% अंक दिए गए हैं। इन छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। इस बार वार्षिक परीक्षा में छात्र छात्राओं के से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उनकी आंसर की विश्वविद्यालय ने जारी की थी। जब छात्र छात्राओं ने प्रश्नों को आंसर की से मिलान किया तो उनके अंक अच्छे थे। CHJMU की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, छात्र छात्राओं के हित में कदम उठाया जाएगा, तकनीकी रूप से मामले की जाँच करेगा। ये देखिएगा, जो लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और स्टूडेंट के हित में हमने भी कानपुर यूनिवर्सिटी को अप्लीकेशन लगाया, RTI लगाया और उसके बाद जनसुनवाई ऐप से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। तो फाइनली जब बहुत सारे स्टूडेंट ने शिकायत की तो फाइनली मामला कानपुर यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया है और परीक्षा नियंत्रक तक ये मामला पहुँचा है कि लगभग 70%, ये देखिए जो हमने बताया था, 70 से 80% स्टूडेंट के नंबर 35 से 40% है, बहुत कम है। तो वो स्टूडेंट ने लगातार मांग की और मामला फाइनली कानपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है और जो आश्वासन दिया गया है कि छात्र छात्राओं के हित में कदम उठाया जाएगा। इससे पहले भी छात्र छात्राओं के हित में पिछले साल कदम उठाया गया था और स्टूडेंट के नंबरों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ था, अच्छे नंबर दिए गए थे। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी से इतना भी कहना है कि केवल रेगुलर ही नहीं, प्राइवेट भी जितने स्टूडेंट हैं उनमें भी ऐसे ही नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, 35 से 40% नंबर। तो और जो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं चैनल से जुड़े हुए हैं जिनके नंबर 70 से 80% हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहता है कि आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन, लेकिन आप सारे स्टूडेंट को डीमोटिवेशन ना करें। कल हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए थे, उनमें बहुत सारे ऐसे कितने बताए, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर लगभग 70% को छोड़ दें, बाकी ऐसे नंबर 70-80% को छोड़ने के बाद, तो उनके अगर अच्छे नंबर आए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मामला उठा है काफ़ी सारे एक दो स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट को इस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने नकल की है ना, आपने पहले का ए दूसरे का बी इत्यादि से नकल करके आपने जो नंबर लाए हैं वो पूरे नकलची स्टूडेंट रहे हैं आप। तो ऐसे प्रकार के कमेंट कृपया कमेंट्स बॉक्स में ना करें। ये मामला लगभग 70 से 80% स्टूडेंट का है, केवल आपका नहीं है। अगर आपके नंबर बाई द चांस अच्छे आ गए हैं, आपने मेहनत की है, तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आप इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में जाकर स्टूडेंट को डिमोटिवेशन नहीं दे सकते हैं। ये मामला पूरी यूनिवर्सिटी का है, केवल एक दो स्टूडेंट का नहीं है। पिछले साल भी स्टूडेंट ने पढ़ाई किया और स्टूडेंट ने पढ़ाई करके पेपर दिया और उसके बावजूद भी इस बार भी स्टूडेंट के नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल सजग हो जाएँ जो स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में जाकर डिमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट चैनल से बिल्कुल ना जुड़ें और कमेंट्स में इत्यादि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें। हमारा चैनल सभी स्टूडेंट के लिए है, आपके नंबर अच्छे हैं तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन, लेकिन इस प्रकार के माहौल ना बनाएं। स्टूडेंट में बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहा है स्टूडेंट। ये देखिएगा, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत की उसके 35 से 40% अंक पार्ट वन में और पार्ट टू को मिलाकर उसका फर्स्ट बन रहा था और पार्ट थर्ड में उसका बन गया 40। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल। ऐसे इस समय स्टूडेंट के हित में बात करें, स्टूडेंट के साथ खड़े हों, जो भी आपको संभव है उनकी सहायता करें। यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे हमने कल वीडियो बनाया था, ये देखिए फाइनली कानपुर यूनिवर्सिटी ने संज्ञान भी ले लिया है कि हाँ ऐसा अगर कोई तकनीकी रूप से मामला है तो उसकी जाँच कराई जाएगी जल्द से जल्द और छात्र हित में, छात्र छात्राओं के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका डायरेक्ट लिंक जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है, जिस पर आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।